अस्सलाम वालेकुम पुत्रिच रानी, वेलकम बैक। क्या है, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप सब अपने घरों में खुश आबाद रहे। मैं इवनिंग टी अपने लिए बना रही थी तो मैंने कहा इसके साथ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, एक छोटा सा विलाग बना के आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैं बना रही हूँ एक बेकरी स्टाइल मेट्रो से केक लेते हैं, मैंने कहा उसी की कोई उसके साथ मिलता जुलता मैं केक बना रही हूँ बेकरी स्टाइल। थोड़े से इसमें इंग्रेडिएंट्स है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें 1/4 कप चीनी डाल दी है मैंने, 2 अंडे, 2 अंडे। इतनी खास चीजें नहीं है, छोटी मोटी बेकिंग करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। 1/4 कप चीनी और 2 अंडे, इधर 1 कप मैदा। इसमें मैंने चुटकी भर रोई डाल दिया है नमक। अब क्या करते हैं, इसमें 1 टीस्पून बेकिंग कशा को तो फिर ये चीजें खरीदनी पड़ती हैं और अच्छी भी लगती हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर, 1/4 चुटकी बेकिंग सोडा, बहुत थोड़ा सा। इधर मैंने क्या किया है कि 1/2 कप के जितना दूध उसमें 1 टीस्पून मैंने सिरका डाल के इसको बटर मिल्क बना लिया। ये देखें, खास में जरूरत वनीला एसेंस, और इसमें मैंने इलायची भी डाली है। चलो आप इसे रेडी करते हैं। 1/2 कप इसमें ऑयल डालूंगी, फिर से बता देती। 1/4 कप चीनी पीस लिए मैंने, 2 अंडे, 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, चुटकी भर नमक और 1-2 चुटकी बेकिंग सोडा, वो डाल दिया। 1/2 कप इसमें दूध, उसको मैंने बटर मिल्क बना लिया, और 1/2 कप जो है ऑयल का डालूंगी इसमें। जरूर ट्राई कीजिएगा। चुटकी भर में इसमें फूड कलर डालूंगी, अगर आपको पसंद हो तो डालें, आपकी अपनी चॉइस है।
कलर अच्छा आ जाता बहुत थोड़ा सा। बस अब मिक्स मिक्स पहले ऐसे मिक्स करेंगे पूरे का। सारा कुछ मिक्स हो गया। हाफ हाफ करना मुझे जल्दी बेक हो जाता है। इस तरह का केक मेट्रो में मिलता है बहुत मजे का होता है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनेगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, इवनिंग टी, मॉर्निंग टी के लिए। अब क्या करूंगी, ये आलमंड ऊपर डालेंगे। दो अंडों के साथ अच्छा खासा बन जाता है। अब मजीद इसकी खूबसूरती के लिए मैं काम करती हूँ, आप देखें मैं क्या करती हूँ। ये मैजिक है, इस तरह कर लूंगी, फिर इसमें थोड़ा बटर लगा दूंगी। ऊपर तक उठ के आएगा, इसमें बटर जब बाहर निकलेगा तो ये बहुत खूबसूरत बन जाएगा। वन एटी पे से 35 मिनट के लिए मैं बेक करूंगी। ये जो बटर मैंने डाला है उसको इस तरह लाइन लगा दूंगी, बटन डालना। बस अब इसको मैं रखती हूँ, साथ में थोड़े नमक पारे बनाती हूँ वो भी।
इतनी प्रेजेंटेशन चंगी होगी। ठीक है जी, ये केक बहुत ही अच्छा फ्लफी सा बना है, दो अंडों के साथ दो बन गए। ये देखें बहुत ही अभी गर्म है, मैं आपको ट्राई करके दिखाती। कलर भी देखें इसका, ये हमारी इवनिंग टी का विलाग रेडी हो गया है। इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मिलेगी। ये नमक पर एक कप के साथ मैंने बनाया, एक कप मैदा, चुटकी नमक, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ी सी अजवाइन डाल के मैंने उसको गूंद लिया सख्त सा। फिर मैंने उसके लिए नमक पारे बना लिए इवनिंग टी में और दो केक बना लिए। जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।